वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल कार म्यूजिक हब, यहाँ मिलेगा सब। तो गाइज, जैसा कि आपको पता है कि मैं मुंबई मिक्स मसाला प्लेलिस्ट करने के लिए मुंबई आया हुआ हूँ, और एक्टिंग के लिए भी। तो गाइज देखिए, एक्टिंग के लिए जैसे ही मैं मुंबई में प्रवेश करा तो कोरोना वायरस ने अटैक कर दिया, लेकिन मेरी वजह से नहीं, वो पहले से ही चल रहा था। तो अब हम घर से नहीं निकल सकते, तो हम क्या करें और कैसे तैयारी करें? तो जो थिएटर में हमें सिखाया जाता था उसकी प्रैक्टिस हम डेली करते हैं। और गाइज, हमने कुछ डेटा कलेक्ट किया है, वो आपके लिए भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है अगर आप इंटरेस्टिंग हैं एक्टिंग में। तो आपको ना तो मुंबई आना है और ना ही अपना काम छोड़ना है। तो ये जो डेटा है गाइज, ये है कास्टिंग डायरेक्टर्स का। जो मुंबई में कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, जो बड़ी बड़ी पिक्चरों के लिए कास्टिंग करते हैं, उनकी जीमेल आईडी है, जिस पे आप अपना इंट्रोडक्शन वीडियो और अपना पोर्टफोलियो फोटो और अपनी डिटेल्स, इंट्रो, ये सारा भेज सकते हैं। ये डेटा मैंने काफ़ी मेहनत से कलेक्ट किया है और बहुत ही जेन्युइन डेटा है। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में ये पूरा डेटा मिल जाएगा। उससे पहले आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा और हमारी मुंबई मिक्स मसाला प्लेलिस्ट देखनी पड़ेगी। तो ये डेटा जो है वो मैं आपको नीचे शेयर कर दूंगा, आप प्रॉपर उस पर मेल करिए। और कैसे मैंने उनको एक इंट्रोडक्शन मेल लिखा है वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप पूरा डेटा कवर करके काम कर सकते हो। लेकिन अगर आप कोई काम कर रहे हो तो एक्टिंग के लिए प्रॉपर अपने प्रोफेशन को छोड़ के एकदम से मत आओ, क्योंकि मुझे पता है सभी एक्टर बनना चाहते हैं। ऐसा मैं समझता नहीं हूँ, ये सच है। कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक बड़े सुनहरे पर्दे पर आने की जिज्ञासा होती है, तो उसके लिए मैं मुंबई आ चुका हूँ, अपने लिए भी और आपके लिए भी, क्योंकि ये है कार म्यूजिक हब, यहाँ मिलेगा सब। इस डेटा का थोड़ा अच्छा सा यूज करो, पोर्टफोलियो भेजो, हो सकता है किसी ऑडिशन में आपको शॉर्टलिस्ट कर लिया जाए। क्योंकि यहाँ जो कास्टिंग होती है उसका एक पॉइंट मैंने, मतलब 15 दिन में ये ऑब्जर्व किया है कि यहाँ पे कास्टिंग प्रॉपर एक कैरेक्टर के हिसाब से होती है। अगर कोई कैरेक्टर मेरे जैसा है, उसकी शक्ल, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका जो बोलने का तरीका है, वो अगर मुझसे कहीं मिलता है तो मुझे जल्दी काम मिल जाता है, क्योंकि उनको उस चीज़ की रिक्वायर्ड रहती है। तो ये कुल मिला के जो कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, ये किसी के साथ, वो हिंदी में बोलते हैं ना, दोबाती नहीं करते, मतलब किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करते कि उसको प्रॉपर किसी कैरेक्टर के लिए अगर हम सेलेक्ट कर रहे हैं और उसके कुछ बॉडी की, बॉडी लैंग्वेज हो गई, कुछ एटीट्यूड, कुछ चेहरे की जो बनावट होती है, वो अगर उससे मिलती है तो वो काम आसानी से दे देते हैं। फिलहाल तो मैंने अभी बहुत ही ज़्यादा ऑडिशन नहीं दिए हैं, करीब 4-5 ही ऑडिशन दिए थे, तब तक तो पूरा मार्केट ही डाउन हो गया। तो गाइज प्लीज़ इस डेटा को अच्छे से यूज़ करें, और अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं तो ये डेटा आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपका जरा सा भी इंटरेस्ट है तो इस पर पोर्टफोलियो भेज दीजिए, हो सकता है आपको कोई बड़ी कास्ट मिल जाए, बहुत अच्छी मूवी मिल जाए या कुछ भी काम मिल जाए। फिलहाल मुझे तो नहीं मिला है, क्योंकि मैं आज ही वो डेटा कलेक्ट करके आज ही मैं भी अपनी मेल सेंड करने वाला हूँ। जैसे ही ये कर्फ्यू हटेगा तो हमें काम मिल सकता है। तो गाइज प्लीज़ जुड़े रहिए इस चैनल के साथ, और अगर आप फेसबुक पे हैं तो प्लीज़ हमारी जो कार म्यूजिक जो पेज है उस पे जाके प्लीज़ हमें फॉलो करिए, और वहाँ से आपको अपडेट मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।